नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज 21 अगस्त 2023 और राजस्थान समसामयिक के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मोटिवेशन लाइन, रास्ते सबको पता होते हैं पर मंजिल उसी को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। रास्ते तो सबको पता होते हैं लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। सबको पता है टीचर बनने के लिए बीएड करना जरूरी है, बीएड तो सब करते हैं लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो शानदार तैयारी करता है। इसलिए कहते हैं रास्ते सबको पता होते हैं पर मंजिल उसी को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। करते हैं इस सेशन की शुरुआत, करते हैं 5 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनका कंप्लीट एनालिसिस। चलो चलते हैं आगे। राज्य सरकार द्वारा पेयूल सरचार्ज समाप्त करने तो कितनी बजट राशि की घोषणा की गई। जो राज्य सरकार है उसके द्वारा पेयूल सरचार्ज समाप्त करने तो कितनी बजट राशि की घोषणा की गई। 4000 करोड़, 1000 करोड़, 2200 करोड़, 2500 करोड़। कितनी राशि की घोषणा की गई है? 2500 करोड़, 2500 करोड़ की घोषणा की गई है। जानते हैं इसके बारे में क्या कहानी है। 10 अगस्त को जो जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर एक नई योजना का शुभारंभ किया जाता है। नई योजना का शुभारंभ किया जाता है। कौन सी योजना का शुभारंभ किया जाता है? इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल योजना, स्मार्ट मोबाइल योजना, स्मार्ट मोबाइल योजना का शुभारंभ किया जाता है। कहां पर? बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। यहां पर एक नई घोषणा की गई, यहां पर एक नई घोषणा की जाती है। जो बिजली के बिल के अंदर पेयूल सरचार्ज आता है उसे समाप्त करने हेतु पेयूल सरचार्ज समाप्त करने हेतु 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। जो बिजली के बिल के अंदर पेयूल सरचार्ज आता है उसे समाप्त करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा पेयूल सरचार्ज समाप्त करने हेतु कितनी बजट राशि की घोषणा की गई? ये बजट राशि 2500 करोड़। इसकी कहानी क्या है? 10 अगस्त को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के अंदर नई योजना शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल योजना। इस समय एक नई घोषणा की गई कि जो बिजली के बिल के अंदर पेयूल सरचार्ज आता है उसे समाप्त करने हेतु 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की जाएगी? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की जाएगी। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में भी बात कर लेते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 8 जनवरी 1947 को। इसकी स्थापना की जाती है, स्थापना 8 जनवरी 1947 को। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की जाती है? राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 8 जनवरी 1947 को। यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय था, राज्य का पहला विश्वविद्यालय। जो राजस्थान विश्वविद्यालय, यह राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय के विषय राजीव जैन, विषय कौन है? विषय राजीव जैन। राजस्थान विश्वविद्यालय के विषय राजीव जैन। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, द इकोनॉमिस्ट। एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, पत्रिका, पत्रिका कौन सी? द इकोनॉमिस्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को की जाती है। यह राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय। इनके विषय राजीव जैन। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है,
वे द इकोनॉमिस्ट, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, इसके अंदर अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की जाएगी। अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की जाएगी, शोध पीठ स्थापित की जाएगी। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है और इसके अंदर अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की जाएगी। नाम आया जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। इसके अंदर वीर तेजा शोध संस्थान और आदिवासी अध्ययन केंद्र है। इसके अंदर वीर तेजा शोध, वीर तेजा शोध और आदिवासी अध्ययन केंद्र है, आदिवासी अध्ययन केंद्र है, आदिवासी अध्ययन केंद्र है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। इसके अंदर वीर तेजा शोध व आदिवासी अध्ययन केंद्र। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1962 के अंदर। इसकी स्थापना 1962 के अंदर की जाती है, 1962 के अंदर की जाती है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विषय केसी श्रीवास्तव। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विषय केसी श्रीवास्तव, इसकी स्थापना की जाती है 1962 के अंदर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है, इसकी स्थापना 1962 के अंदर की जाती है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विषय केसी श्रीवास्तव और इसके अंदर वीर तेजा शोध संस्थान व आदिवासी अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है बाबा आमटे विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है और इसके विषय देव स्वरूप। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के विषय कौन है? देव स्वरूप इसके विषय। यहां तक देखो, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पौधे लगाए जाएंगे? 50 पौधे, 65 पौधे, 75 पौधे, 80 पौधे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 75 पौधे लगाए जाएंगे, क्या है इसकी कहानी, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो आजादी का अमृत महोत्सव उसके अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया, मेरी माटी मेरा देश। यह कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 75 पौधे दिए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 75 पौधे दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा। जो 75 पौधे लगाए जाएंगे उसमें अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इससे अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पौधे लगाए जाएंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 75 पौधे लगाए जाएंगे, क्या है इसकी कहानी। जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, मेरी माटी मेरा देश, इसमें जयपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 75 पौधे लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा। इन 75 पौधों से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा, उदयपुर में किया जाएगा, कोटा में किया जाएगा, जोधपुर के अंदर किया जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र का 9वां सम्मेलन
उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाए उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। यह सम्मेलन है इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी उपस्थित होंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का नवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा उदयपुर के अंदर आयोजित। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी शामिल होंगे। नाम आया है उदयपुर का, तो उदयपुर का एक दो बातें और जान लेते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। इसी उदयपुर में झीलों के अंदर एक झील बनी हुई पिचोला झील। इस पिचोला झील में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन किया गया। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। एक झील बनी हुई पिचोला झील के अंदर प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन किया जाता है। हम पढ़े राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का नवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उदयपुर के अंदर। इसका शुभारंभ करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानक कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बारा। इनका संबंध है कौशल्या देवी का बारा से कौशल्या देवी शर्मा का। ये अंतरराष्ट्रीय मानना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी है। मानना जानते हो, दीवारों के ऊपर हाथी घोड़े माने जाते हैं, उनको मानना कहते हैं। इनके भी मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, देख लेना फोटो भी। बारा के नाम आया है बारा का, तो बारा की एक चर्चा और कर लेते हैं। बारा के अंदर सीताबाड़ी का मेला पड़ता है। ये पड़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को मेला पड़ता है। सीताबाड़ी का मेला बारा के अंदर पड़ता है। ये कब पड़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को मेला पड़ता है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। जो सहरिया जनजाति का कुंभ होता है सीताबाड़ी का मेला, उसे हम सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। कौशल्या देवी का संबंध है बारा से। अंतरराष्ट्रीय मानना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी का निधन हो गया है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बारा से। एक चर्चा और की बारा के अंदर सीताबाड़ी का मेला पड़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 3 बजे। धन्यवाद।